तब एक ट्रस्ट को सुपुर्द कर वे फिर से पर्यटन पर निकल जाएंगे। रमता जोगी बहता पानी, जगह जगह रुक कर कथा कीर्तन करेंगे, जितना मिलेगा शाम को मिलकर खा लेंगे, फिर निकल जाएंगे आगे। यह घुमक कड़ी रमा और उसके भाई के चित्त विस्तार के लिए जरूरी होगी। चार दीवारी में बंधा हुआ व्यक्ति जीवन को कितना समझ सकता है। अगर किसी दिन खाना नहीं मिलता तो भी क्या, तरह तरह के संकल्प विपल पत्नी से चलते रहते। उस दिन तो गजब हो गया। इधर माता पिता के बीच खुसर फुसर, उधर जीजा दीदी जिया से लगातार तना तनी रमाबाई का मन आश्रम में नहीं लगता। सदाव्रत की उंगली पकड़े वह आश्रम के बाहर गांव तक या जंगलों तक निकल आती। घूमते घूमते दोनों गांव के सिवान तक पहुंचे। वहां बड़ी भीड़ इकट्ठा थी। एक शव पर 9 मन लकड़ियां धरी थी और उस पर सती होने को बैठी थी रमा से 2-1 साल बड़ी एक लड़की, जिसकी अभी साल भर पहले ही शादी हुई थी। 9 महीने तक उसका दूल्हा रंगीन ही रहा। जब लौटा तो तपेदिक का मरीज होकर और अब मर भी गया। इतना नन्हा सा दाम्पत्य और अब उसके संग राख हो जाने की तैयारी। याद है रमाबाई को, शादी के दिन चंपा काफी खुश थी। जिंदगी में पहली दफा साफ चकाचक कपड़े और गहने भी मिले थे। इतनी सुबह से ही सजधर कर बैठ गई थी। बैठी क्या थी, उछलती फिरती रही थी, ऐसे कि शाम को जब बारात आने को हुई वह थक कर चूर हो गई। कहा, अब मेरा शौक पूरा हो गया, सब गहने कपड़े उतारो माँ, घर की साड़ी पहनकर मुझे सुला दो। पहनाकर बाद में जब इतनी कड़क मूछों वाला दूल्हा खिड़की से देख लिया तो एकदम से छिप गई सखियों की गोदी में। जोर से डर लग गया, कितना मरखंड लग रहा था, क्या जाने कितना डांटेगा। 10-12 दिन रहकर वापस रंगून गया तो चैन की सांस ली और लोग फिर धमक गया, चुटकी बजाते मर भी गया। अब उसकी खातिर सती होना भी जरूरी था। बलि के बकरे की भांति सजा धजा कर गेंदे की लंबी माला पहनाकर वह चिता पर बिठाई गई थी। लोग जयकारे कर रहे थे कि रमाबाई वहां पहुंची और क्या जाने क्या मन में आया कि आओ देखा न साओ। लोग हाहा करते रह गए और वह उसे खींच कर चिता से उतारने लगी। क्यों होगी वह सती, वह जीवित होता तो उसकी खातिर सता होता क्या। बहुत मुश्किलों से सदाव्रत उसे खींच कर मार पीट पर उतारू भीड़ से बाहर लाया। वह तो खैर कहिए कि पिछले बरस उसकी मसें भींगी तो कद भी अचानक रमाबाई से काफी ऊंचा निकल आया, वरना मछली की तरह छटर पटर करती रमाबाई को गोद में उठाकर आश्रम तक ले आना इतना आसान नहीं था। गोद से नीचे उतारने का मतलब था उसे भीड़ के हवाले करना और उठाकर वहां से उसे ले जाने का मतलब और तरह की पंक्तियां सहना। रमा के लिए कुछ भी सहना उसको मंजूर था। उसकी छटर पटर जब थोड़ी शांत हुई, सदा को अपनी ही देह के भीतर समुन्दर हहाता महसूस हुआ। जंगल के रास्ते आश्रम जाते हुए एक बार तो मन हुआ कि रमा से कहे, अब तुम पैदल चलो, पर मारे आवेग के रमा तो सिसकने लगी थी। सिसकती सिसकती वह उसकी छाती में मुंह गाड़ कर जाने कब सो गई। एक बार महुआ के नीचे से गुजरते हुए छींटा समेत एक फूल तब से उसकी ओर उसके होठों पर टपका। नींद में भी होठ फफक रहे थे, फूंक मारने से फूल हटाने ही तो सदाव्रत ने उसका सोया शरीर अपने गाल तक उठाकर गाल से ही फूल हटा देने की कोशिश की। तब जाकर पता चला कि रमा का तो पूरा शरीर बुखार में तप रहा था। वही घबरा कर बैठ गया। थोड़ी दूर पर अहुरी बहुरी नदी बह रही थी। धरती की पहली अकुलाहट थी, अकुलाहट जो बारिश की पहली झीसी से पैदा हुई होगी, झीसी जिसे धरती की अपनी ही उत्तप्त सांसों का रिमझिम प्रत्युत्तर कहना चाहिए। कितनी सारी झीसियां मिलकर एक नदी की उमगन बनती है। पहले तो एक हिमशिला ही पिघलती है, फिर उस तत्मसाती हुई धारा में कई झीसियां मंद कपकपाहट से बहती चली जाती है। नदी के किनारे की एक शिला पर एक गिलहरी गर्दन घुमाती इधर उधर देख रही थी, मानो जंगल ने गुप्तचरी उसको ही सौंपी हो। कुछ दूर पर एक खरगोश अपना बिल खोद रहा था। हरी घास का एक तिनका उसके खुर में फंसा था। सदाव्रत की उस पर दृष्टि गई।
अरे यह तो वही बूटी है जिसका रस निचोड़ कर गुरु माता के ने पिछले दिन उसका बुखार उतारा था। पास आने पर खरगोश बूटी लिए लिए भाग सकता था। रमा को उतरती साल में ऐसे बेहोश छोड़ दूर कहीं जाना भी संभव नहीं होता। असमंजस में वह खड़ा ही था कि पानी के छींटे दे या बूटी ही ढूंढे घास में कि रमाबाई स्वप्न में कुनमुनाई और उसका सिर शिला की टेक छोड़कर हवा में ऐसे झूल गया जैसे कि डाली पर पककर सुनहरा हुआ ललछौ बिंब भर, तितलियों की मीठी 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 महीन चुम्मियों से सिहरता हुआ बिंब भर। एकदम से उसकी बाह फड़की, बढ़ी झुकी झुकी बढ़ी, फिर उसको और कुछ नहीं सूझा तो अपनी तलहटियों का एक दोना बनाकर बिंब भर की एक जागृत सी पीठिका बना दी। टिके रहो आराम से आराम, लेकिन ये बेचैनी कैसी। खरगोश अब तक तो बाहर ही अपना बिल खोद रहा था, भीतर की मिट्टी क्यों ऐसी भुरभुरी हुई जाती है। जगह जगह कुछ अदृश्य से लोटन कबूतर पंख फुलाए बैठे थे बाहर और मांसपेशियों में भी। रमाबाई के होठ फट गए थे। शिशिर की शुरुआत में उसने अक्सर देखा था एक छीना सा कवच उसके होठों पर ही नहीं उसके समूचे वजूद पर काबिज हो जाता था, जैसे धरती पर कोहरा। इस कोहरे के भीतर से वह रहस्यमय दिखती कुछ देर अपलक ही देखता रहा उसको। उसको क्या स्वप्न आ रहे होंगे सोचता रहा। गुरु कहते हैं कि जब जीवन का वो सपना समझने की कला साध लेता है आदमी, नींद के सपने गूढ़ाक्षरों की तरह खुलते हैं। सपने सपने का सपना कितना महीन और सुंदर और कितना सार्थक भी। थरथराती उंगलियों से होठ छूकर देखना चाहा कि पपड़ियों की कुक्ष के भीतर अगाध रस का जो छोटा गुलाबी सा सोता सोया है, अस्फुट शब्दों में वह क्या कह रहा है। फिर अचानक रमा कुनमुनाई, उसका सिर वापस शिला से टिकाकर अंजलि में पानी लाया सदागत। अब उसका अपना सिर भी चकरा रहा था, अज्ञात भय से छाती फूली जाती थी। जल्दी जल्दी वह सब सधे अनसधे मंत्र पढ़ने लगा और गोद में रमा को लिए दिए जब आश्रम के अहाते तक पहुंचा, मुस्कान में नीली फुफकार भरे हुए पोनप्पा अपने गांव के उसके कुछ मनचले साथी रास्ता रोककर खड़े हो गए। क्या रे कैसा रहा वन विहार। उसके बाद तरह तरह के अश्लील छींटे खेलते हुए पहली बार सदा के जीवन को सदा ने जीवन का यह रहस्य समझा कि समाज एक ऐसा कचघना बाप है जिससे किसी की भलमनसाहत पर जिसे किसी की भलमनसाहत पर जल्दी भरोसा नहीं होता। संयम को कि कोमल लता को धीरज का कड़ा तना अवलंब के रूप में अकवारना ही पड़ता है। इन कड़े सवालों का उत्तर समय देगा।